अब जिस टाइप ऑफ रिटेलर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कम्बाइन स्टोर और कम्बिनेशन स्टोर ये दोनों तरीके से हमारे पास कहलाता है इस तरह का टाइप ऑफ रिटेल स्टोर जो कम्बिनेशन स्टोर है एक्चुअली ये सुपर मार्केट की जिस तरह अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस की सुपर स्टोर की एग्जाम्पल डिस्कस की कन्वेंशनल सुपर मार्केट की एग्जाम्पल डिस्कस की इसका फॉर्मेट इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे बड़ा होता है अगर हम फॉर्मेट की बात करें विच मीन्स इसका एरिया नॉर्मली इन जनरली दोनों तरह तो की प्रीवियस कैटेगरी से सबसे ज्यादा है इसका मतलब ये कि इसकी ऑफरिंग विच इज़ असॉटमेंट टू द कस्टमर वुड बी हाई ऑल्सो अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन के पैरामीटर के ऊपर आता हूँ तो इट इज़ एक्चुअली अट्टोर विच इज़ विच इज़ कम्बाइनिंग अपर स्टोर प्लस जनरल मर्चेंडाइज यानी कि दोनों की ऑफरिंग को एक पेश कर रहा है टू द एंड कंज्यूमर एज ए ऑफरिंग टू द एंड कंज्यूमर अगर हम जनरल मर्चेंडाइज़ के हवाले से बात करें तो नॉर्मली इस तरह के स्टोर तर, के ऊपर जो सेल शेयर है वो 25 टू 40 परसेंट तक चला जाता है क्योंकि फूड और नॉन फूड प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ की बात हो रही है या फ़ूड और जनरल मर्चेंडाइज़ कैटेगरी के हवाले से बात हो रही है इसका मतलब ये है कि 60 40 का प्रोपोर्शनेट भी पॉसिबल है इस तरह के कॉम्बिनेशन स्टोर्स के अंदर जो कि नॉर्मली इसका मतलब यह है कि इस तरह के स्टोर्स प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से भी कुछ बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सुपर स्टोर्स जो कि फूड बेस्ड है इसी तरीके से कंबाइंड स्टोर जो है उनका सेल्स एरिया एज़ कम्पेयर टू द फूड मार्केट और एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल सुपर मार्केट्स सबसे ज़्यादा है अगर आप देखें तो अपटिल एक लाख स्क्वायर फीट तक के एरिया के ऊपर कॉम्बिनेशन स्टोर एग्जिस्ट करते हैं और इसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं नॉर्मली इस तरह के स्टोरस एक पर्टिकुलर लोकेलेटी के लिए नहीं होते नॉर्मली इस तरह के स्टोर्स आउटस्कर्ट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं विच मीन्स एट देंट्रेंस ऑफ द सिटी और मे बी एट द एग्जिट ऑफ द सिटी क्योंकि ये पूरे सिटी को नॉर्मली फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और एट लीस्ट एक पर्टिकुलर टेरेटरी को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं पर्टिकुलर टेरेटरी के कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं तो कॉम्बिनेशन स्टोर जो हैं कॉम्बिनेशन रिटेलर जो है combination ये कॉम्बो स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस होता है व्हाट इज कॉम्बो स्ट्रैटेजी कॉम्बो स्ट्रैटेजी ये है कि एक्चुअली दे ट्राई टू सेल नॉट ओनली फूड प्रोडक्ट्स बट दे फोकस प्राइमरि फोकस ऑन सेलिंग द जनरल मर्चेंडाइज इस तरह के स्टोर्स एक्चुअली मार्जिन ड्रिवन कैटेगरीज को फोकस करते हैं और दे टारगेट इज नॉर्मली टू इंक्रीज द सेल शेयर ऑफ जनरल मर्चेंडाइज अगर मैं 25% परसेंट से 40% परसेंट तक की बात कर रहा हूँ तो फोकस हमेशा ये होगा इस तरह के कॉम्बिनेशन स्टोर्स का कि वो अपने बिजनेस वॉल्यूम को ग्रो कराएं फ्रॉम 25% परसेंट टू 40 परसेंट ऑफ द जनरल मर्चेंडाइज जबकि फूड कैटेगरीज कैन मैक्सिमम ग्रो अप टिल 60 परसेंट एज एन आइडियल सिनेरियो, और अगर हम बात करते हैं ऑफकोर्स इट कैन गो टिल सिक्सटी टू सेवेंटी कॉम्बिनेशन स्टोर्स की पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में मुझे कोई भी जनरल एग्जाम्पल आपके सामने नज़र नहीं आती इंटरनेशनल एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉम्बिनेशन स्टोर की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं क्रॉगर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन स्टोर हैं नंबर ऑफ स्टोर्स एक लाख स्क्वायर फीट से भी मेजॉरिटी ज़्यादा हैं ह्यूज स्टोर्स मल्टी बिल्डिंग मल्टी फ्लोर स्टोर्स हैं इसी तरीके से ओवंस की एग्जाम्पल है सेलिंग फ्रॉम फ्रेश प्रोडक्ट्स ड्राई प्रोडक्ट्स नॉन फूड प्रोडक्ट्स जनरल मर्चेंडाइज सीजनल प्रोडक्ट्स कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स तो वो तमाम तरह के प्रोडक्ट्स को कम्बाइन किया है ताकि एक कस्टमर को एक अच्छी ऑफर दे सकें नॉर्मली जो कम्बिनेशन स्टोर हैं वो कस्टमर को एवरी थिंग अंडर वन रूफ का कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं लेकिन इसमें मेजोरिटी केसेस के अंदर आपकी लार्ज अप्लाइंसिस ब्राउन गुड्स और वाइट गुड्स शामिल नहीं होती मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर क्योंकि स्मॉल अप्लाइंस तक की कैटेगरीज को ये कैटर कर रहे होते हैं स्मिथ एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन स्टोर के साथ नॉर्मली आपको एक फार्मेसी या ड्रग स्टोर भी नजर आएगा क्योंकि इस तरह के जो स्टोर्स हैं ये ना सिर्फ ओवर द काउंटर मेडिसिन सेल करते हैं बट दे है प्रॉपर फार्मेसी अवेलेबल इन द स्टोर और नॉर्मली आई हेव ऑब्जर्व इंटरनेशनली कि आपको इस तरह के स्टोर्स के अंदर दे सर्व ऑल्सो हैव टू हैव अ डॉक्टर ऑल्सो जो कि अगर आपको नॉर्मल ट्रबल शूटिंग करनी हो बेसिक मेडिसिन के हवाले से रूटीन के टेक केयर के हवाले से तो देश्योर कि वहाँ पर एक डॉक्टर भी ऑन ड्यूटी मौजूद हो तो स्मिथ इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट के अंदर कॉम्बिनेशन स्टोर की कॉम्बिनेशन स्टोर को अगर आप डेफिनेशन के परस्पेक्टिव में अगर आप एग्ज़ाम्पल के परस्पेक्टिव में एक दफ़ा रिव्यू करना चाहें तो बड़े आराम से हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा कैटेगरी है विद रिस्पेक्ट टू फूड बे सुपर मार्केट या कन्वेंशनल सुपर स्टोर से क्योंकि एज ऑफ द एरिया ये सबसे बड़ा है एज़ ऑफ दॉटमेंट ये सबसे ज़्यादा है जो ऑफरिंग कस्टमर ऑफरिंग सबसे ज़्यादा है और इसी तरीके से इसकी प्रोडक्ट कैटेगरीज भी सबसे ज़्यादा है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हैं जब भी आपके सामने कुछ इस तरह की प्रोडक्ट सर्विसेज, एरिया स्टोर नज़र आए तो आप फ़ौर क्वालिफ़ाई करवा सकते हैं कि क्या ये कॉम्बिनेशन स्टोर है या ये कॉम्बिनेशन स्टोर के क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरता